जिला अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता फिजिशियन एमडी मेडिसिन डॉक्टर वी के सुमन ने बताया कि इस ठंड में सांस से संबंधित और ब्लड प्रेशर के अधिक मरीज आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ठंड में जो भी लोग लापरवाही करेंगे बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए जहां तक हो सके उलन कपड़े पहने और घर से बाहर बहुत जरूरत पर ही निकले, गुनगुने पानी का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ में जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि ठंड से अगर किसी को परेशानी होती है तो चिकित्सक से जरूर दिखाएं, जितना हो अपने आप को बचाव करते रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ परामर्शदाता फिजिशियन एमडी मेडिसिन डॉक्टर बी के सुमन ने कहा, खांसी कितने दिन से आ रहा है आपको? 10-15 दिन। और जैसा घर में बने रहिए। हाँ सर, ठंड बढ़ रही है, इसमें किस तरह से मरीज ज़्यादा आ रहा है? ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इसमें जो सांस से संबंधित मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज आ रहे हैं और कार्डियक पेशेंट भी आ रहे हैं, जो पहले से दिल के मरीज हैं जिनको पहले से इलाज चल रहा है, तो वो ठंड के प्रभाव से कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो गए लापरवाही के चलते, तो इस तरह के मरीज काफ़ी हमारे ओपीडी में आ रहे हैं। किन लोगों के ऊपर ज़्यादा अटैक करता है? बच्चे को, बुजुर्गों को ज़्यादा अटैक करता है। जो भी व्यक्ति अगर लापरवाही करता है उसको तो ठंड कभी न कभी अटैक करेगा ही। तो लोगों से अपील है कि भाई आप यथासंभव हो घर में रहें और अगर बाहर से बाहर निकलते हैं तो उलन कपड़े का जरूर प्रयोग करें, टोपी लगा लें, उलन जो है कपड़ा का धारण कर लें, टॉवल ऐसे शॉल उलन का ले लें, ओढ़ लें, गुनगुने पानी गर्म पेय पदार्थ का सेवन करें और भीड़ भाड़ में जाते हैं अगर तो वहाँ पे भी मास्क का ज़रूर प्रयोग करें और जो व्यक्ति लापरवाही करेगा उसे ठंड से तो उसको भाई परेशानी बढ़ेगी और इस तरह के मरीज भी आ रहे हैं हम लोग के ओपीडी में। सर, इसमें किस उम्र के लोगों को क्या क्या प्रोकॉशन देना चाहिए? इसमें सभी उम्र के लोगों को, जितनी प्रचंड गर्मी धुआती जो ठंड पड़ रही है इसमें सभी लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बच्चों को खास करके, बच्चों को और बुजुर्गों को खास करके सावधानी रखने की ज़रूरत है। जो बुजुर्ग को अगर को मॉर्बिडिटी है, पहले से वो पता चले कि वो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कार्डियक पेशेंट हैं, दमा के मरीज हैं, तो उनको खास सावधानी रखना है, घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, गर्म पेय पदार्थ का सेवन करना है, गुनगुना पानी पिए, गुनगुने पानी से नहाएं, उलन कपड़ा पहन कर रखें और बच्चों को भी देखना जाता है कि अमूमन बच्चे ठंड के चपेट में आ जाते हैं लापरवाही के चलते, तो उनको भी बचा कर रखना है। तो बच्चों में ठंड होने से चलते निमोनिया होना, कोल्ड डायरिया होना, फीवर आना, ये सारी चीज़ें तो प्रभावित हो जाते हैं बच्चे। सर, इससे घरेलू उपाय क्या है बचाव के लिए? बचाव के लिए कि जितना हम बचा सकते हैं अपने आप को ठंड से, वो सबसे बड़ा उपाय है। ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, अगर ज़रूरत पड़ता है बच्चों को या बुजुर्ग किसी को अगर कहीं दिखाना है जाना है तो अपने आप को पूरी तरह से शरीर को पूरे कपड़ों से कवर करके, टोपी पहन के और साथ में उलन शर्ट पैंट जो भी हो, शॉल है उपयोग, ग्लव्स लगा लें, दस्ताना लगा लें, मास्क लगा लें और बाहर निकलें और बाहर जब जो काम हो जाए तुरंत वापस घर आ जाएं। अगर उनको कोई परेशानी होती है ठंड से, खांसी, सांस फूलना, डायरिया होना, तो उस कंडीशन में चिकित्सक का परामर्श लें और अपने आप को जितना बचा सकते हैं बचा के रखें। सर, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, कोरोना का प्रकोप शहर में, जनपद क्या अपील करना? इसी परिस्थितियों में कोरोना का भी कहर ज़्यादा है और हर आदमी, जब भी किसी व्यक्ति को खांसी जुकाम होता है तो कोरोना से संबंधित उसको कोरिलेट करते हैं। इस तरह के मरीजों में गले में खराश, खांसी, बुखार, तो इसके लिए वो मास्क लगा कर रखें, भीड़ भाड़ में ना जाएं। अगर इस तरह की परिस्थिति होती है तो तुरंत चिकित्सक परामर्श लें, दवा लें, घर पर रहें।